दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। जैसे मैंने कहा था कि हमने जो सीरीज शुरू की है, जो कल हमने राग किया था खमाज, खमाज ठाट के कुछ राग किए थे, आज हम बलावल ठाट का पहला राग जो है बलावल। राग बलावल इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी सुर इसका धा है, संवादी सुर इसका गा है। तो अरो ऐसे है राग बलावल, इसकी जो ठाट है वो भी बलावल है, वो ऐसे है अरो इसका। सारे पकड़ जो है इसकी ऐसे है, सा रे ग म प म ग म प ध ब म ग रे। तो ये राग बलावल था। अभी जो दोस्तों हम राग करेंगे दीपक। तो राग दीपक जो है ये भी पूर्वी में भी है, तो ये बलावल में भी है। जाति ये शाड़प संपूर्ण है, वादी सुर इसका गा है, संवादी सुर इसका नी है। हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग बिहागड़ा, ये भी बलावल का ही राग है। वादी माँ है इसका, संवादी सा है, और वो ऐसे इसका सा अवरोह करेंगे। सानी अब जो दोस्तों हम राग कर रहे हैं, इस राग का नाम है लैया बिलावल। इसकी जाति जो है शाड़प संपूर्ण है, वादी सुर धा है इसका, संवादी सुर इसका गा है, और वो ऐसे इसका अभी आरो राग लैया बिलावल। अब जो हम राग करेंगे दोस्तों, इस राग का नाम है राग शुगल बिलावल। जाति इसकी शाड़ब संपूर्ण है, वादी सुर मां है, संवादी सुर इसका सा है, और वो ऐसे इसका सा ग म प ध नि स।
धनी सा। अभी इसका हम अबरो करेंगे और गाने का वक्त जो है इसका सुबह का ही है, तो अबरो इसका ऐसे है। दोनों निषाद लग रहे हैं इसमें। सनी धनी अप मग मरे सा। अभी जो हम राग करेंगे इस राग का नाम है राग नट बलावल। इसकी जाति शाड़ब शाड़ब है। राग नट बलावल का अरो ऐसे ही इसमें दोनों निषाद लगेंगे, वो ऐसे लगेंगे। इस राग का जो वादी सुर है वो माँ है, संवादी सुर इसका सा है। अभी जो हम राग करेंगे इस राग का नाम है नट। ये भी बलावल ठाड़ का राग है। वादी सुर इसका माँ है, संवादी सुर इसका सा है और वो ऐसे है इसका नट। अब जो हम राग कर रहे हैं ये राग है दुर्गा। राग दुर्गा दो तरह से है, खमाज में भी है, बिलावल में भी है। जाति इसकी औड़ब औड़ब है। वादी माँ, संवादी सा, तो अरो देखेंगे हम। सरे मा प ध सा। अभी हम इसका अवरोह करेंगे, अरोह कर दिया, अवरोह करेंगे। साध प म रे सा, पकड़ प म प ध प म रे सा ध स रे सा ध। अब जो हम राग कर रहे हैं इस राग का नाम है राग देवगंधारी। तो राग देवगंधारी जो है औड़ब संपूर्ण है और वो ऐसे है राग देवगंधारी का। और वादी सुर माँ है, संवादी सुर इसका सा है, गाने का वक्त इसका सुबह का है। तो और वो ऐसे है इसका सरे मा प ध सा। रो करेंगे इसका सनी ध प धनी ध प म ग रे सा। अरे वो ऐसे आ रहा है इसका। तो चैनल को सपोर्ट अपना करते रहें इस वजह से आप सबके लिए। तो आप जितनी राग की अरो अबरो करेंगे आपको उसी तरह मतलब अपना रुचाव मिलता जाएगा। तो अगला हम राग देखते हैं।
अब जो हम राग कर रहे हैं इस राग का नाम है राग देशकार। तो राग देशकार का वादी सुर धा है, संवादी सुर इसका गा है, जाति इसकी औड़ बौड़ है, और वो ऐसे इसका स रे ग प ध स। अभी इसका आरोह हो गया, अवरोह करेंगे स ध प ग प ध प ग रे स। ये था राग देशकार। तो देशकार में काफी हैं ठुमरियां तराने बनाए हुए उस्ताद लोगों ने। तो अगला राग हम देखते हैं अब राग विनोद। तो ये भी औड़व जाति का राग है, तो इसकी भी जो ठाट है वो बिलावली है। वादी सा संवादी पा, तो जाति अरोह में भी पांच सुर, अवरोह में भी पांच सुर है। अरोह ऐसे इसका स रे ग प नी स। तो ये था राग विनोद। तो वीडियो को जितना हो सके, इसलिए मैं साथ साथ राग बिताता जा रहा हूँ उनके वादी संवादी, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। राग हम करेंगे, इस राग का नाम है राग बिहाग। इसका आरोह ऐसे है, इसकी भी जाति औड़व संपूर्ण है। वादी सुर इसके में इसमें गा है, संवादी सुर इसमें नी है। तो आरोह ऐसे है इसका में कल्याण अंग भी मिलता है, ठीक है। तो ये था राग बिहाग। अब जो हम राग करेंगे दोस्तों, इस राग का नाम है राग शंकरा। तो राग शंकरा जो है औड़व संपूर्ण, औड़व शाड़व है। वादी गा संवादी नी है इसकी। और वो ऐसे है इसका सा फिर देख ले स ग प नी ध स। अभी हम अवरोह करेंगे इसका, अवरोह कर लिया, अवरोह करेंगे स नी प राग हमारा शंकरा। अभी हम अगला राग देखते कौन सा है। राग नट नारायण, इसकी जाति जो है संपूर्ण औड़व है। वादी पा संवादी रे, और वो ऐसे इसका सा।
थापड़ जो है इसकी ऐसे नहीं, ये था राग हमारा नट नारायण। दोस्तों इस राग का नाम है जलधर केदार, ठाट कल्याण, ठाट इसकी बिलावली है, ठीक है। तो अगला जो हमारा होगा ठाट वो कल्याण पे हम वीडियो करेंगे। तो ये राग जलधर केदार और वो ऐसे इसका जाती जो है इसकी औड़ो बौड़ पे, ठीक है। अब रो ऐसे इसका आरो कर दिया, अब रो सा ध प म रे सा। अभी जो हम राग करेंगे इस राग का नाम है हेम कल्याण। हेम कल्याण में अरो में तीन सुर लग रहे हैं, अरो में चार सुर हैं, अबरो में पांच सुर हैं। तो हेम कल्याण ऐसे सा रे गा प सा, सा रे गा प सा। तो इसकी जाति जो बनती है वो सूत्र औड़ बनती है, ठीक है। अरो में चार सुर लग रहे हैं, अबरो में पांच सुर लग रहे हैं, तो इस वजह से इसकी जाति बनती सूत्र औड़। तो अभी अरु ऐसे इसका सा ध प ग रे सा। वादी सा संवादी पा, राग हेम कल्याण ये भी हो। हम राग करेंगे इस राग का नाम है राग गोट कोट। इसकी इसका जो वादी सुर है वो सा है, संवादी सुर इसका माँ है और वो ऐसे है इसका सा रे ग म प नी ध नी सा। अभी हम इसका करेंगे अब रो सा नी ध नी प म ग रे सा। पकड़ जो है इसकी ऐसी है रे ग म प म प म ग रे गोट। अब जो हम राग कर रहे हैं इस राग का नाम है राग निवारा, ठाठ बिलावल। जाति जो है इसकी संपूर्ण संपूर्ण है, तो ये बिलावल ठाठ का राग है। तो राग का अरो अबरो ऐसे है, जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है, ठीक है। अरो ऐसे है इसका सा रे ग की पहचान की वो पकड़ ऐसे सा ग म प ध प म ग रे सा।
सो दोस्तों, अब जो हम राग करेंगे, इस राग का नाम है राग माधव। ठाट बिलावल है इसकी भी, जाति संपूरन संपूरन है। वादी सुर इसका सा है, तार सपकत का सा। संवादी सुर इसका पा है, अरो ऐसे है इसका सा ग करेंगे। इस राग का नाम है राग मांड। काफी रिचाव भरा राग है ये। जाति इसकी संपूरन शाड़भ। राग जो मांड है, आप इसको किसी वक्त भी गा सकते, काफी रिचाव भरा राग है ये। और वो ऐसे है इसका राग मांड। तो अगला राग हम देखेंगे अब राग सोहो। जाति संपूरन संपूरन है इसकी। वादी पा संवादी सा, और वो ऐसे है इसका सा सुहो। सो दोस्तों, इस चैनल को जितना हो सके अपना सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब, बेल को जब दबाते हैं तो साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आप सबका थैंक यू, प्यार देने का शुक्रिया।